व्हाट्स अप गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम कृष्ण, वेलकम टू माई चैनल। तो कैसे हो आप दोस्तों? मैं आशा करता हूँ आप लोग शानदार तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों, ये आप लोगों का लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंदर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गैसी स्टेट का। ये क्रैश कोर्स आप लोगों का चल ही रहा है। आज हम गैसी स्टेट के बारे में पूरी बातें करेंगे, लेकिन गैसी स्टेट की बातें करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, जो नए बच्चे हैं इस चैनल पर, उन लोगों के लिए, ठीक है। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो आप लोगों को एक काम करना है, जो भी लेक्चर्स में लेता हूँ उसकी PDF ये टेलीग्राम चैनल है @race_IIT/NEET करके, ठीक है, RACEIIT/NEET करके टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन जरूर कर लेना। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। आपको बच्चों ये वीडियो अपने 10 फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करनी है, साथ में ही 5 व्हाट्सएप ग्रुप के साथ दोस्तों में भी आपको शेयर करनी है, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लोग नए हो या पुराने कोई भी स्टूडेंट हो, आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है। जो भी आप लोगों की डाउट्स रहें उनको आप कमेंट सेक्शन के अंदर बच्चों लिख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा बच्चों, यहाँ पर ये आप लोगों के लिए जो MCQ वाला जो क्रैश कोर्स है वो भी आप लोगों के लिए चल रहा है, उसके लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगी, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर हो तो अगर आप मेरे से कोई बात वगैरह करना चाहते हो तो 4K के सर पर मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अब आपका गैसी स्टेट को। तो देखिए, सबसे पहले गैसी स्टेट के अंदर आपको, जब गैसी स्टेट की बात कर ही रहे हैं तो टेम्परेचर के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो टेम्परेचर स्केल की सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन भी। तो देखिए, सी यहाँ पर लिखा हुआ है वो है डिग्री सेल्सियस, जहाँ पर के लिखा हुआ है उसका मतलब है केल्विन, जहाँ पर एफ लिखा हुआ है उसका मतलब फारेनहाइट, ठीक है, और जहाँ पर आर लिखा हुआ है उसका मतलब ऐसा टेम्परेचर है जिसका स्केल अपने को पता नहीं है, ठीक है। तो देखो, सी माइनस जीरो डिवाइड बाई 100 माइनस जीरो बराबर होता है के माइनस 273 डिवाइड बाई 373 माइनस 273 के, बराबर देखने को मिलेगा आपको एफ माइनस 32 डिवाइड बाई 212 माइनस 32, और ये बराबर होगा आर माइनस आर ऑफ जीरो बराबर आर ऑफ 100 माइनस आर ऑफ जीरो के। तो बच्चों, ये रिलेशन आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम आता है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आप लोगों के पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए लिया है। आप या तो JEE की तैयारी कर रहे हो, या नीट की तैयारी कर रहे हो, या बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाली है, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी वीडियो को थोड़ा पॉज करके आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और अपने 10 फ्रेंड्स के अंदर वीडियो को शेयर करके 5 व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर देना। तो देखिए, अब बात करते हैं बच्चों बॉयल्स लॉ की, कि भाई बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, ठीक है, और इससे अपन प्रेशर कैसे मेजर करते हैं। बॉयल्स लॉ से क्या मेजर करते हैं बच्चों? प्रेशर मेजर करते हैं। और बॉयल्स लॉ बोलता क्या है? तो बॉयल्स लॉ बोलता है भाई, बॉयल्स लॉ काम करेगा आपके कांस्टेंट टेम्परेचर पर। किस पर काम करता है? ये जब कभी भी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तभी बॉयल्स लॉ आपका काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आया, प्रेशर आपका डायरेक्टली, मतलब यहाँ से समझ में आया आपको, प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/V के, या वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/P के। तो यहाँ से क्या समझ में आया, P1V1 बराबर होता है आपका P2V2 के। किसके अकॉर्डिंग? बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग। अगला लॉ पढ़ते हैं, चार्ल्स लॉ, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। तो आपका चार्ल्स लॉ काम करता है बच्चों कॉन्स्टेंट प्रेशर पर। किस पर काम करता है? कॉन्स्टेंट प्रेशर पर। कैसे याद रखोगे? CT या TC, टिकट कलेक्टर, ठीक है, मतलब चार्ल्स लॉ, TC नहीं बच्चों, PC है ना, PC, ठीक है। तो ये कैसे याद रखना है? या CPC याद रख लो, कैरियर पॉइंट कोचिंग, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ में क्या होगा बच्चों? चार्ल्स लॉ में याद रखें आपको प्रेशर कांस्टेंट रहता है, और ब्लूटूथ BT बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो आपको इस तरीके से बच्चों आप लोगों को क्या कर लेना है? याद कर लेना है, ठीक है। तो अब ये चार्ल्स लॉ के अंदर क्या क्या चीज़ें रहती हैं वो चीज़ समझो। तो चार्ल्स लॉ के अंदर बच्चों वॉल्यूम जो देखने को मिलेगा आपको वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखने को मिलता है बच्चों किसके? टेम्परेचर के, ठीक है। चार्ल्स लॉ के अंदर बच्चों वॉल्यूम किसका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाता है? टेम्परेचर के, क्योंकि कांस्टेंट क्या रहता है? प्रेशर रहता है। तो यहाँ से आपके पास रिलेशन निकल के आता है V1/T1 बराबर होता है आपका V2/T2। तो ये भी चार्ल्स लॉ आपको इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स लॉ आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों आगे गेलुसॉक्स लॉ। गेलुसॉक्स लॉ के टाइम पर क्या होता है? कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होता है GV, ठीक है, GV से याद रखेंगे आप गेलुसॉक्स लॉ। तो कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा किसमें? गेलुसॉक्स लॉ में। इसमें एक किससे याद रखा? कैरियर पॉइंट CP से चार्ल्स लॉ, बॉयलिंग पॉइंट कैसे याद रखा? ब्लूटूथ से BT से, ठीक है। तो गेलुसॉक्स लॉ में आपका कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, इसका मतलब क्या हो गया? प्रेशर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखने को मिलेगा यहाँ पर टेम्परेचर का। फिर P1/T1 बराबर P2/T2 आपका नेट रिजल्टेंट यहाँ पर निकल के आ रहा होता है। तो टेम्परेचर कौन से स्केल पर होता है बच्चों? एब्सोल्यूट स्केल पर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन की। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, बहुत काम की इक्वेशन है। तो इक्वेशन बोलती है PV बराबर NRT। N क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे?
तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए वेट डिवाइड बाई मोलर मास कर देते हैं, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, पी वी बराबर डब्ल्यू डिवाइड बाई एम इंटू आर टी। तो ये क्या बन जाती है आपके सामने, इक्वेशन बन जाती है। या मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर ये भी बताया था डेंसिटी बराबर क्या होता है, पी एम अपॉन आर टी होता है, मैंने वहाँ पर ये भी चीज़ बताई थी। तो डेंसिटी टर्म्स में अगर आप लिखोगे तो यहाँ से क्या बन गया, वही मैंने भी आपको डेंसिटी बराबर पी एम अपॉन आर टी बताया, वहीं से आ गया आप लोगों के सामने। प्रेशर बराबर क्या हो जाता है, डी डिवाइड बाई एम इंटू आर टी भी हो जाता है, या आप बोल सकते हो यहाँ पर एम का और मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाता है पी इंटू एम बराबर डी आर टी। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन से बच्चों तीन फॉर्मूले आपको बने, तीनों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, पी बराबर एन आर टी, पी बराबर डब्ल्यू बाई एम इंटू आर टी, पी बराबर डी बाई एम आर टी, पी एम बराबर डी आर टी। ठीक है बच्चों, इतना सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका यूज होता है, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अंदर बहुत ज़्यादा काम आता है, तो डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अब समझो कि डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में किस तरीके से अपने को चीज़ें निकालनी होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है बच्चों एक्चुअली में पार्शियल प्रेशर आपको इस तरीके से याद रखना है, पार्शियल प्रेशर यहाँ पर आर लिख देता हूँ तो पार्शियल प्रेशर हो गया, इस तरीके से याद रखना है टोटल प्रेशर इंटू जो मोल है उसके। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका पार्शियल प्रेशर हो जाता है, या मोल फ्रैक्शन से याद कर लो उसका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में जैसे अगर आपको P1 निकालना है तो क्या हो जाएगा, N1 इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई, मतलब ये तो P1 की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ अभी, तो डॉल्टन्स लॉ बताऊंगा मैं आपको, पी वी बराबर एन आर टी ऐसे है, तो यहाँ पे अगर P1 निकालना है तो क्या हो जाएगा, N1 R1 N1 N1 इंटू आर इंटू टी वाई भी, तो वही P1 हो गया, वही P2 क्या हो जाएगा, N2 R इंटू टी वाई भी, P3 क्या हो जाएगा, N3 R इंटू टी वाई भी। इस तरीके से ये चीज़ आपकी चलती चलेगी। तो टोटल प्रेशर बच्चों कितना हो जाएगा, पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री, इस तरीके से क्या हो जाएगा बच्चों आपके सामने यहाँ पे टोटल प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। तो पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों, जैसा मैं आपको यहाँ पे आपको बता रहा था, टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन क्या हो जाता है बच्चों, टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन। तो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या बन जाता है बच्चों, टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको याद कर ही लेना है, कॉपी में नोट डाउन कर लो, टोटल पार्शियल प्रेशर होता है टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, फिर बात करते हैं एमेगेट्स लॉ की। एमेगेट्स लॉ क्या होता है, एमेगेट्स लॉ होता है बच्चों पार्शियल वॉल्यूम के लिए, किसके लिए होता है, पार्शियल वॉल्यूम के लिए। तो यहाँ पे V बराबर क्या हो जाता है, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस सो ऑन। ठीक है, फिर उसी तरीके से बच्चों बात करते हैं एवरेज मॉलिकुलर मास ऑफ गैसेज मिक्सचर। गैसेज मिक्सचर का एवरेज मॉलिकुलर मास किसी भी गैस का ऐसे निकालते हैं, तो वो निकालते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट काम आता है, मास ऑफ मिक्सचर बराबर टोटल मास ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर। अपन मास ऑफ मिक्सचर तो लिखेंगे ऊपर टोटल का, लेकिन अगर उसमें टोटल नंबर मोल से डिवाइड कर दें तब आपके पास क्या निकल के आता है, एवरेज मॉलिकुलर मास निकल के आता है, वो भी गैसेस मिक्सचर का। तो किस तरीके से टोटल मास निकालोगे, वो निकालेंगे बच्चों अपन एन वन मोल्स हैं तो एन वन इंटू एम वन प्लस एन टू इंटू एम टू प्लस एन थ्री इंटू एम थ्री। मतलब किसी मिक्सचर के अंदर अगर तीन चीज़ है, वन टू थ्री, तो पहली चीज़ के मोल्स इंटू उसका मोलर मास। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ का मतलब मोल्स, फिर उसके जो भी मोलर मास है, फिर तीसरी चीज़ का मोल्स इंटू उसका मोलर मास डिवाइड बाई एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री। ये क्या हो जाता है आपके पास, एवरेज मोलर मास हो जाता है, मोलिकुलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर। ठीक है, सब बच्चों को समझ में आ गई होगी ये चीज़। अब बात कर लेते हैं ग्राम्स लॉ की। ग्राम्स लॉ से आपका जे एडवांस के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपका जे मेंस में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है यहाँ पर, ग्राम्स लॉ का मतलब जब कोई भी ये गैस है इसके अंदर से अब निकल रही है, तो यहाँ पर रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा बच्चों, रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन रूट डी। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन रूट डी, और यहाँ पर डी क्या होता है, डी होती है आपकी डेंसिटी ऑफ गैसेज। तो वहीं पर रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर आपको फर्स्ट और सेकंड के लिए निकालना है R1 अपॉन R2, तो क्या हो समझ में आया, यहाँ पे आपको अगर दो गैस के लिए निकाल रहे हो, ठीक है, तो एक गैस का नाम 1 है, दूसरी गैस का नाम 2 है, तो क्या हो जाएगा R1 अपॉन R2 में रिलेशन, जैसे यहाँ पर मैंने पहले बता दिया आपको कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी रूट ऑफ डेंसिटी के, तो हो जाएगा R1 अपॉन R2 बराबर रूट ओवर D2 डिवाइड बाई रूट ओवर D1। इसको अपन इस तरीके से बोल सकते हैं कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर डेंसिटी एक्टिव प्रोपोर्शनल किसके है, मास के, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ डी टू बाई, ये बराबर हो जाएगा आपके पास आर वन अपॉन आर टू बराबर हो जाएगा रूट ओवर एम टू बाई एम वन के, बिल्कुल सही सर। और ये आपकी वेपर डेंसिटी के भी उसी रिलेशन में हो जाएगा, ठीक है, तो आर वन अपॉन आर टू क्या हो जाएगा रूट ओवर वेपर डेंसिटी ऑफ टू डिवाइड बाई वेपर डेंसिटी ऑफ वन। तो ये बच्चों तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज की। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अंदर बच्चों आपको पता होना चाहिए पी वी बराबर कितना होता है, वन बाई थ्री एम इंटू एन यू बार का स्क्वायर। ठीक, कितना होता है पी वी बराबर वन बाई थ्री एम इंटू एन यू बार का स्क्वायर। ये क्या होती है बच्चों, काइनेटिक इक्वेशन होती है किसके लिए, गैसेज के लिए, किसके लिए होती है बच्चों, गैसेज के लिए होती है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज बच्चों ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और ये फॉर्मूला काम भी आता है। अब बात करते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो भी किसके लिए, एक मोल गैस के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो उसका फॉर्मूला क्या है, एन ए इंटू वन बाई टू इंटू एम
इंटू यू बार का स्क्वायर। यू बार का मतलब क्या बच्चों, ये है आपके पास एवरेज स्पीड, ठीक है। तो इसका या तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी वनमोल हो जाएगी एन ए बराबर 1/2 एम इंटू यू बार का स्क्वायर, या आप बोल सकते हो 3/2 के एन ए इंटू टी, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। या आप बोल सकते हो 3/2 आर इंटू टी, तो ये तीनों चीज़ों में से कुछ भी बोल सकते हो आप इसके लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फॉर वनमोल ऑफ गैस के लिए, ठीक है। इतना सब बच्चों समझ में आ गया, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, ये वाले फॉर्मूले भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मोल के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की बात करते हैं, ये दो तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और हैं आप लोगों के सामने। पहला है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड यहाँ पर जो u है ये अगर मैं यहाँ पर आर एम एस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड हो जाएगा। वैसे आर एम एस है नहीं u, तो u आर एम एस की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, हो जाती है रूट ओवर 3 RT/m, ठीक है। m क्या होता है मोलर मास, जो kg पर मोल में होगा, t टेम्परेचर, r तो आपको पता ही है, ठीक है। वहीं अगर एवरेज स्पीड की अगर बात करना है, यू एवरेज क्या हो जाएगा, u1 + u2 + u3 + u1, तो एवरेज स्पीड आपकी क्या निकल के आती है, उसका फॉर्मूला हो जाता है रूट ओवर 8 RT/m। के क्या होता है यहाँ पे, बोल्ट्ज़मन कांस्टेंट होता है, आप इसको 8 RT/m को रूट ओवर 8 KT/m भी बोल सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों किसकी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, रूट ओवर 2 RT/m, क्या होता है रूट ओवर 2 RT/m, या अपन इसको बोल सकते हैं रूट ओवर 2 KT/m, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, तीनों के फॉर्मूले बच्चों आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। अब रियल गैस से रिलेटेड बच्चों कुछ एक दो पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, फिर अगले लेक्चर के अंदर बच्चों अपन थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, वैन डर वाल्स इक्वेशन, रियल गैस के अंदर क्या आता है, वैन डर वाल्स इक्वेशन, ठीक है। और वैन डर वाल्स इक्वेशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, P+AN² / V² ब्रैकेट में V-NV = nRT, तो इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। वैन डर वाल्स इक्वेशन क्या होती है, P+AN² / V² (V² NV = nRT, यहाँ पर कुछ क्रिटिकल कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए जो आपके न्यूमेरिकल करने के टाइम पे काम आती है। VC = 3V होता है, इसको अपन क्रिटिकल वॉल्यूम बोलते हैं। PC = A/27V² होता है, इसको अपन क्रिटिकल प्रेशर बोलते हैं। TC = A/27RV आपको देखने को मिलता है, जिसको अपन क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। तो इतना सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, एक बार बच्चों क्या कर लेते हैं, इसको कुछ रिवाइज कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाए। सबसे पहले बच्चों अपने टेम्परेचर स्केल के बारे में पढ़ा, फिर बॉयल्स लॉ के बारे में बताया मैंने आपको, फिर चार्ल्स लॉ के बारे में बताया, फिर अपन ने गे-लुसॉक्स लॉ के बारे में पढ़ा, फिर आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला पढ़ा, डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर पढ़ा, वहाँ से पार्शियल प्रेशर पढ़ा, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन होता है, एमेगेट्स लॉ पढ़ा वॉल्यूम के लिए, पार्शियल वॉल्यूम के लिए, एवरेज मॉलिक्यूलर गैस मिक्सचर निकालना सीखा, ग्राम्स लॉ के बारे में देखा, ठीक है। उसके तीन फॉर्मूले देखे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के फॉर्मूले देखे, ठीक है। फिर वहाँ से रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला देखा, एवरेज स्पीड पढ़ी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पढ़ी, फिर उसके बाद अपन ने वैन डर वाल्स इक्वेशन पढ़ा, फिर अपन ने क्या पढ़ा, क्रिटिकल कांस्टेंट के बारे में यहाँ पे पढ़ा, ठीक है। इतना सब बच्चों को समझ में आ गया। उसके बाद आप लोगों को ये चीज़ मैं एक बार बता देता हूँ कि आप लोग यहाँ पर डाउट वगैरह के लिए मेरे को जोड़ सकते हो, कोई भी दिक्कत रहे आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने 10 फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है, और 5 व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अलग से शेयर करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।